हेलो बेटा, डेथ ऑफ पार्टनर चल रहा है हमारा। और ये आज हमारा लास्ट पार्ट होगा इसका। आज मैं आपको कराता हूँ इसमें गुडविल के ट्रीटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे हम। बुक खोलो, क्वेश्चन पढ़ो आप जरा एक बार। 7.31 पेज नंबर है। ABC तीन पार्टनर हैं, 3-2-1 का रेशो है, 3-2-1 का रेशो बेटा। इसमें बी की डेथ हो रही है, बी की डेथ हो रही है 30 जून को। तो कितने महीने बाद डेथ हो रही है बी की? अप्रैल मई जून, 3 महीने बाद। ठीक। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड 6 लाख। देखो जी, फर्म की गुडविल कितनी है? 6 लाख रुपए। और बी का शेयर जो है, प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट विच वॉज 15 लाख। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर गुडविल एंड द शेयर ऑफ लॉस। बेटा, गुडविल का ट्रीटमेंट तो ठीक वैसे ही होगा जैसे कि आप रिटायरमेंट में करते थे। मुझे एक बात बताओ, अगर बी रिटायर हो गया, बी का 2/6 हिस्सा है, ठीक है ना, तो ए का और सी का जो प्रॉफिट बचा वो 3:1। और आपको पता है, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो ना दे रखा हो तो हम ओल्ड रेशो को ही क्या मान लेते हैं? गेनिंग रेशो। तो इसका मतलब ए और सी का जो गेनिंग रेशो है वो कितना है? 3:1। ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताओ यहाँ पर कि बी का शेयर कितना है गुडविल में? बी शेयर इन गुडविल, एक सेकेंड, बी शेयर इन गुडविल। सर, बी का हिस्सा होगा गुडविल में 6 लाख रुपए में से 2/6, तो ये हो जाएगा बेटा 2 लाख रुपए जो बी का हिस्सा आएगा। अच्छा, ये बी को क्रेडिट होंगे, क्यों? क्योंकि बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, उसकी डेथ हो रही है, और ए और सी गेनिंग पार्टनर। तो आप याद करो, यही एंट्री बनती थी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। याद नहीं आ रहा तो आप सुन लो मेरे से, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन है? ए और सी। तो देखो, मैं एंट्री बनाता हूं जर्नल। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बेटा, ए की बी को जो मिलेंगे वो मिलेंगे 2 लाख रुपए। अब आप यहां देखो कि ए ने कितना गेन करा। एज गेन और सीज गेन 2 लाख इंटू, बेटा रेशो कितना है? 3:1 का। तो 2 लाख इंटू 3/4 और 2 लाख इंटू 1/4, तो ये हो जाएगा 1,50,000 और 50,000। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1,50,000 रुपये से ए को क्या करेंगे? डेबिट। और 50,000 रुपये से किसको डेबिट करेंगे? हम सी को डेबिट करेंगे। तो ये तो रही बात बेटा गुडविल की। तो आप यहाँ नैरेशन चाहो तो लिख सकते हो, बीइंग गुडविल एंट्री मेड, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका नैरेशन आ गया। अच्छा, अब देखो वो कह रहा है कि आप ना उसके प्रॉफिट का हिस्सा और बताओ, जबकि प्रॉफिट उसने कहा है जी पिछले साल के प्रॉफिट के आधार पर। और पिछले साल प्रॉफिट नहीं है, पिछले साल क्या है? लॉस है। तो पिछले साल अगर लॉस है तो हम इसको कैसे करेंगे, आप समझो जरा। लॉस है ना, तो आप यहां लिखोगे बीज शेयर इन लॉस। बेटा, पिछले साल लॉस था 15 लाख रुपए का, तो इस साल भी कितने का लॉस रहेगा? 15 लाख का। लेकिन हमें केवल कितना चाहिए? 3 महीने का। और 3 महीने में बी का हिस्सा कितना? 2/6। तो ये कितना बन जाएगा बेटा, देखो जरा, 15 लाख × 3/12 × 2/6, 1,25,000 रुपये।
बी का लॉस में हिस्सा आया। अच्छा एंट्री क्या बनेगी, अब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा और बी का अकाउंट डेबिट होगा, तो एंट्री बनेगी बेटा बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बीइंग प्रॉफिट एडजस्टमेंट एंट्री मेड, ठीक है ना। तो ये हमने क्वेश्चन कर दिया, क्वेश्चन नंबर कौन सा 20, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 में आपको और करा देता हूँ फटाफट से, देखिए जरा, बाकी आप घर से ट्राई करें, कोई डाउट आए तो आप मेरे से डिस्कस कर लें। क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल 20 की तरह है, ठीक है ना, 21 कराता हूँ मैं आपको। पी आर और एस तीन पार्टनर हैं, पी आर और एस, और इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितने हैं, 4:8, 3:8 और 1:8। इसमें से इट इज़ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड डेट ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर हिज शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिट टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर, ठीक है। तो इसमें आर की डेथ हो रही है, अभी देखो तो मैं समझाता हूँ उसने क्या बोला है क्वेश्चन में। आर की डेथ हो रही है, कब हो रही है बेटा आर की डेथ, 1 जनवरी को, ओके 1 जनवरी को उसकी डेथ हो रही है, 31 दिसंबर को बुक्स बंद होती हैं, तो एक महीने बाद ही उसकी डेथ हो रही है, ओके ठीक। अच्छा अब वो कह रहे हैं 2015, 2016, 2017, 2018 का प्रॉफिट दे रखा है, डिटरमाइन द अमाउंट डेट शुड बी क्रेडिटेड टू आर इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ए पॉइंट में क्या निकलवा रहा है वो हमसे, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल विच क्रेडिटेड टू आर, जो आर को क्या होनी है, क्रेडिट होनी है। कैसे करा है बेटा, देखो पिछले 4 साल के प्रॉफिट कितने हैं, तो पिछले 4 साल के प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर, लास्ट 4 ईयर, तो ये प्रॉफिट है बेटा हमारे पास में 120,000 रुपये प्लस 80,000 रुपये प्लस 40,000 रुपये प्लस 80,000 रुपये, तो ये टोटल प्रॉफिट हो गया 120, 80, 40 और 80, 3,20,000 रुपये। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि पिछले 4 साल में आपने कितने प्रॉफिट क्रिएट करे आर को, तो आर शेयर इन प्रॉफिट, आर शेयर इन प्रॉफिट क्रिएटेड, आर शेयर इन प्रॉफिट इन लास्ट 4 ईयर, ऐसे लिख लो आप, इन लास्ट 4 ईयर आर को कितने प्रॉफिट मिले बेटा, आर को मिले 3,20,000 रुपये में से पिछले 4 सालों में 3/8 इंटू 3/8, 1,20,000 मिले। और क्वेश्चन कह रहा है कि आर की गुडविल कितनी है, तो आर की जो गुडविल है बेटा वो है 1,20,000 का आधा, उसने कहा है कि जितना उसके खाते में क्रेडिट हुआ है प्रॉफिट उसकी आधी गुडविल है, यानी कि 60,000 रुपये, तो आर को क्रेडिट करा जाएगा 60,000 से, और पी को और एस को करा जाएगा बेटा क्या, यहां पर डेबिट। तो एंट्री बनाए हम, देखो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट। बेटा 60,000 रुपये को हम 4:1 के रेशो में, जो पी का और एस का रेशो होगा, तो आप यहाँ पर देख लो
पी इज गेन और एस गेन, क्योंकि गेनिंग कितना आएगा जो ओल्ड है, क्योंकि न्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखा। तो 60,000 इंटू कितना है बेटा, 4:1, तो 4/5, 60,000 इंटू 4/5 और 60,000 इंटू 1/5, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा 12 × 48,000 48,000 और 12,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा, इसको डेबिट करेंगे 48,000 से, इसको डेबिट करेंगे 12,000 से और आर को क्रेडिट करेंगे 60,000 रुपये से। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, ठीक। अच्छा, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अच्छा 22 तक ही क्वेश्चन करने, ये ध्यान रखना बेटा, 23 के बाद जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है बेटा। तो 22 तक आपको क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको शुरू के कुछ गेनिंग रेशो निकालने के क्वेश्चन करा दूंगा, तो मैं एक दो क्वेश्चन आपको करा देता हूँ बिल्कुल रिटायरमेंट की तरह। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर वन है बेटा, क्वेश्चन नंबर वन, एबीसी तीन पार्टनर है, ए बी और सी, इनका 1/2, 2/5 और 1/10, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। 1/2, 2/5 और 1/10 ये है। अच्छा, पहले तो आप इसका ही डिनोमिनेटर बराबर कर लो। जब हम इसका डिनोमिनेटर बराबर करेंगे, देखो हम क्या एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे हम 10, ठीक है ना। 2 से कटा 5 बार तो ये हो गया 5, 5 से कटा 2 बार तो ये हो गया 4, और इससे कटा 10 से कटा 1 बार तो ये हो गया 1। तो ए बी और सी का जो रेशो हो गया ओल्ड, वो हो गया 5:4:1। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ सी डाई। बेटा, अगर सी की डेथ हो जाती है, यानी कि 1/10 हिस्सा, तो आप मुझे ये बताओ जो सी का हिस्सा होगा 1/10, ये वाला जो हिस्सा है, ये सी का हिस्सा किसको मिलेगा, ए को मिलेगा और बी को मिलेगा। तो ए और बी क्या कर लेंगे, इसको गेन कर लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ए कितना लेगा और बी कितना लेगा, तो ये बेटा अपने पुराने रेशो में लेंगे, यानी कि 5:4 में। तो 5:4 क्या होगा, इनका गेनिंग रेशो होगा। इनका जो न्यू है ना बेटा, वो भी 5:4 ही आएगा। आप चेक करके देख लो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, देखो जरा। तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयर, देखो जरा, पहले हम निकालेंगे गेन। तो गेन हम कैसे निकालेंगे, ए का गेन निकालेंगे, देखो डेथ किसकी हो रही, सी की, हाँ। तो पहले निकालेंगे ए का गेन, देखो ए का गेन कितना आएगा बेटा, 1/10 में ए ने गेन कितना करा होगा, 5/9 उनके अपने पुराने रेशो में, तो ये हो जाएगा 5/90। और बी ने गेन कितना करा होगा, 1/10 को 4/9, तो ये हो गया 4/90। तो ये तो आ गया इनका गेनिंग 5:4। अब देखो न्यू के लिए क्या करेंगे, हम जो ओल्ड है इनका ए का और बी का, उसमें हम देखो जो ये ओल्ड है ना 5:4, इसमें हम जो गेन कराए ये ऐड कर देंगे, तो इनका न्यू आ जाएगा। तो देखो जरा मैं कैसे लिखता हूँ, न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग शेयर, या ऐसे कह लो आप इसको, ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर, ठीक है ना। तो देखो ए का और बी का, ए का कितना है बेटा, ए का है 5/10 और बी का है 4/10 प्लस बेटा 5/90 प्लस 4/90 इस तरीके से। तो आप देखो एलसीएम तो उसका 90 ही ले लो, ठीक है ना। 10 से 9 बार कटेगा, 9×5=45 प्लस इससे एक बार कटेगा 5, तो ये हो गया 50/90। और फिर नीचे भी एलसीएम 90 ले लो, 10 से 9 बार कटेगा, 9×36 यानी कि 9×4=36 प्लस ये एक बार कटेगा तो 1×4=4 तो ये हो गया 40/90। तो अब जो इसका रेशो जो आएगा वो कितना आएगा, 50:40 यानी कि 5:4।
तो मैं वही आपसे कह रहा था, गेनिंग भी वही आएगा और न्यू भी वही आएगा। तो ये कुछ ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप इनको इजीली करके देखना, हो जाएंगे, बिल्कुल रिटायरमेंट की तरह है, ठीक है ना। फिर भी कोई अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे से फ्रीली डिस्कस कर सकते हैं। ओके बेटा, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया और हमारी फर्स्ट बुक भी ख़त्म हो गई है इसी वीडियो के साथ में। अब हम अपनी सेकेंड बुक स्टार्ट करेंगे जो कि कंपनी की होगी। तो जिन बच्चों ने वो बुक नहीं ले रखी है तो वो बुक परचेज कर ले मार्केट से। ओके बेटा, चलिए मैं इसको वीडियो को रोकता हूँ, बाय।